सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी मतदाता निभा रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीरें आप आसिंद की देख रहे हैं, जहां मतदाता मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आसिंद से, जहां मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मंजूर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, आसिंद की तस्वीरें हम देख रहे हैं, वोट डाला है मतदाताओं ने, सुबह सुबह का वक्त है, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कितने उत्साह मतदाताओं में है, कितनी भीड़ यहां आना शुरू हो चुकी है पोलिंग बूथों पर? जी भानु, मैं कहना चाहता हूँ सत्ता के महासमर में विधानसभा चुनाव 2023 के चलते आज मतदान की प्रक्रिया जारी है। वही आज सुबह 7 बजे ही आसिम कश्मीर के मुख्य शंकर भारती उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो मतदान केंद्र बनाया गया है, वहां पर मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है और उत्साह उमंग के साथ में मतदान कर रहे हैं। वही मौजूदा समय में आदिवासी क्षेत्र में जो मतदान केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर मतदाताओं की देखा जाए तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई, लगभग 200 से 300 मतदाता इस कतार में लगे हुए हैं। वही अभी अभी भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी ने भी यहाँ पर मतदान किया है। जी भानु जी, अगर हम प्रत्याशियों की बात करें मंजूर, तो किस किस प्रत्याशी के बीच सिंध में कड़ी टक्कर है? जी भानु, मैं बताता चलूं, यहाँ पर त्रिकोणात्मक संघर्ष है। कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी के प्रत्याशी मैदान में है। सीटों ने हाईटेक प्रचार किया था, लेकिन हम ये चीज नहीं बता सकते कि आखिर जीत किसकी होगी, लेकिन देखा तो तीनों प्रत्याशी ने यहाँ पर जमकर चुनाव प्रचार किया है। जी भानु जी बिल्कुल मंजूर, आप पल पल पर नजर बनाए रखिए और दर्शकों तक अपडेट देते रहिए। आपको बता दें कि जन टीवी के संवाददाता हर जगह चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। 199 विधानसभाओं की हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, सीधी तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं। लोकतंत्र में मतदान का काफी महत्व है,